विराट कोहली को लगातार स्टार्ट तो मिल रहा है, लेकिन वो उसे एक बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। यही वजह है कि 81वें इंटरनेशनल शतक का इंतजार भी अब लंबा खिंच रहा है। पूरे टेस्ट मैच में विराट से उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछली बार जब वो इस मैदान पर खेलने उतरे थे तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 254 रन बनाए थे। पर क्या ऐसा दोबारा हो पाएगा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि नेट से जो विराट की तस्वीरें सामने आई हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। अब सवाल है कि नेट्स पर ऐसा क्या देखने को मिला जिससे विराट कोहली के लिए पुणे टेस्ट में बड़ी पारी खेल पाना मुश्किल नजर आ रहा है। पुणे के नेट्स पर दरअसल विराट कोहली के लिए 23 अक्टूबर का दिन अच्छा नहीं बीता। तेज गेंदबाज उन्हें परेशान करते दिखे, वहीं स्पिनर्स के खिलाफ भी वो लगातार संघर्ष कर रहे थे। जिन गेंदबाजों ने विराट कोहली को नेट्स पर खुलकर खेलने नहीं दिया वो सभी नेट बॉलर्स थे। अब जरा सोचिए कि जब नेट बॉलर्स के सामने विराट कोहली का हाल ऐसा है तो न्यूजीलैंड के जो दिग्गज तेज गेंदबाज हैं या स्पिनर्स हैं उनके खिलाफ वो बड़ी पारी कैसे खेल पाएंगे। बेशक पुणे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले पिछले टेस्ट मैच में विराट कोहली के नाम दोहरा शतक दर्ज है, लेकिन इसी ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ खेले टेस्ट मैच में विराट कोहली सिर्फ 13 रन ही बना पाए थे। नेट्स पर विराट कोहली की हालत देखने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ऑस्ट्रेलिया के मैच वाला हाल होने का डर सता रहा है। मतलब एक और मैच में उनकी बड़ी पारी का इंतजार बढ़ सकता है। हम जो कह रहे हैं उसकी गवाही आंकड़े भी देते हैं। विराट कोहली के 81वें इंटरनेशनल शतक का इंतजार पिछली 24 पारियों से चल रहा है। इसके अलावा टेस्ट में उनकी बल्लेबाजी को दो टुकड़ों में बांटने से पता चलता है कि उनका हालिया फॉर्म पहले जैसा बिल्कुल नहीं है। बल्लेबाजी के पहले भाग में हमने 2011 से 2019 तक का वक्त रखा है। इस फेज में कोहली ने 141 पारियां खेली जिसमें उन्होंने 54.98 की बेहतरीन औसत के साथ 7202 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 27 शतक भी लगाए हैं और 22 हाफ सेंचुरी भी। वहीं उनकी बल्लेबाजी का दूसरा हाफ 2020 से अब तक का है। इस फेज में विराट कोहली की बल्लेबाजी का औसत 33.61 का है। उन्होंने 56 पारियों में मात्र 1815 रन बनाए हैं जिसमें 2 शतक और 9 हाफ सेंचुरियां शामिल हैं।